light up my back. Oh, it's a good thing, teacher. Teacher, what's your name? What are you doing? Oh my. तो हाँ जी गाइज़, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस तरह की वीडियोस कैसे बना सकते हो। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा, थंबनेल में मैंने दिखाया है कि जो आरती साहू है वो अपनी वॉइस में वीडियो बना के काफ़ी ग्रो हो चुकी है और अब वो अपनी सिंपल वीडियो डाल रही है। तो ये वीडियो कैसे बना सकते हो आप भी, एकदम सिंपल है। आपको किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करना है, ना ही आपको कोई एडिटर ऐप चाहिए। सिर्फ आप ये इंस्टाग्राम पे रहते रहते इस वीडियो को बना पाओगे। और समीर अब्बासी नाम का भी एक बंदा है जो कि इसका काफ़ी रोस्ट मारता है, तो उसकी भी वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। तो मैं अभी आपको सिंपली समझा देता हूँ कि आप भी इस तरह की वीडियोज़ कैसे बना सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना है कि आपको अपना भेस है जो मतलब अच्छे से कर लेना, ना दो के वीडियो बनाना ताकि वीडियो वायरल हो सके। तो दोस्तों, आपको करना है कि इंस्टाग्राम को ओपन करना है। जैसे ही आप इंस्टाग्राम को ओपन करोगे, देखिए कुछ इस तरह की वीडियोस हैं जो ये बनाते हैं लोग, और आप देख सकते हैं 6,28,000 लाइक्स आए हैं। तो अभी आप भी इस तरह की वीडियो बना सकते हो। तो आपको करना क्या है, पहले तो आपको रील सेक्शन दिखा देता हूँ मैं एक बार। आप मतलब जो भी वीडियो बनाना चाहते हो, आप कोई भी वीडियो आप ले लेना पहले, जैसे ये ही वीडियो है, जिस भी वीडियो के साथ आप डूट करना चाहते हैं। एक बार मैं ये वीडियो देख लेता हूँ, शायद ये फ़नी होगी वीडियो। तो इस पर मैं आपको नॉर्मल वीडियो बना के दिखाऊंगा। आपको करना है क्या, अब आपको इसके ओरिजिनल ऑडियो पे आना है। ओरिजिनल ऑडियो पे आओगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, लेकिन आपको यहाँ से वीडियो नहीं बनानी है। काफ़ी लोग गलती कर देते हैं, आपको यहाँ से वीडियो नहीं बनानी है। आपको करना क्या है, आपको 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे, इस पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में मिलेगा रिमिक्स दिस रील, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल का जो कैमरा खुल जाएगा, और अभी आप मेरी शक्ल पे ध्यान मत देना, अभी आपको ट्यूटोरियल समझना है कि वीडियो कैसे बनानी है। अभी दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको रील वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको अपनी लाइंस बोलनी है, जो भी कुछ आप बोलना चाहते हैं। फिलहाल मैं नॉर्मली इसमें अपनी ये जो मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ यही वॉइस आएगी, आप अच्छे से बोलना। तो देखिए, मैंने वीडियो को जो है स्टार्ट कर दिया है, और वीडियो स्टार्ट होने के बाद मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ आपको उसकी जगह अपना टाइटल जो भी कुछ है वो ही बोलना है। तो अभी देखिए, मेरी कुछ सेकंड की जो वॉइस है ये इसमें रिकॉर्ड हो चुकी है, और ये वॉइस रिकॉर्ड होने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि अगला काम आपको क्या करना है। अभी ये तो देखिए, मैंने माइक लगा रखा है इसलिए ये आगे वीडियो पूरी नहीं बन पाई। तो दोस्तों, मतलब वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था ये, तो उस टाइम मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन थी, तो उस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो अभी मैंने वीडियो अलग से रिकॉर्ड किया आपको समझाने के लिए। तो आपको इंस्टाग्राम ओपन करना है, तो आपको जैसे ही आप ड्यूट करोगे, आपको जो भी कुछ अपना टाइटल बोलना है वो आप अच्छे से बोलना, और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इतनी तो आपको भी पता होगा कि मतलब ड्यूट करते हैं तो उसके बाद क्या आता है। तो उसके बाद ये इंटरफेस आएगा, इसके बाद आपको ऊपर कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, उनमें से आपको एक म्यूज़िक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको म्यूज़िक ऑप्शन पर क्लिक करना है। और आपको यहाँ पर देखिए कैमरा ऑडियो और जो आपका म्यूज़िक ऑडियो है वो दिखाई दे रहा है। आपको करना है कि आपको इस ऑडियो को तो कर लेना है कम, जो आपका म्यूज़िक है अपने हिसाब से कम करना, आपको एडजस्ट करना है एक तरीके से। अब आपको खुद ही देखना होगा ये तो कि कौन सा बेस्ट रहेगा। और मैं अपनी कैमरा ऑडियो कर लेता हूँ फुल। अभी मैंने इसमें कुछ लाइंस बोली थी, तो आप देख लेना। अभी इसमें मैं एक बार अपना माइक रिमूव कर देता हूँ। तो दोस्तों, आपने वीडियो तो देख ली है। अभी मैंने जब वीडियो रिकॉर्ड की तो मैंने यही लाइन बोली थी कि मैं अभी वीडियो के दौरान ये वीडियो शूट नहीं कर पाया था, तो अभी शूट कर रहा हूँ। तो ये वॉइस हमारी आ चुकी है, क्योंकि कैमरा ऑडियो है जो हमने यहाँ से कैमरा ऑडियो को फुल कर दिया है। अभी भी हमारा म्यूज़िक ज़्यादा है, तो आप इसको और भी कम कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी फिर भी वॉइस कम आ रही है तो आपको करना क्या है, आपको कोई भी ईयरफोन यूज़ करना है, क्योंकि ईयरफोन के बिना ये वीडियो शायद नहीं बन पाएगी। आप देख सकते हैं समीर अब्बासी को, या क्या नाम है उनका, आरती साहू को, वो भी एक ईयरफोन ही यूज़ करती है ताकि उनकी वॉइस अच्छे से क्लियर आ सके और थोड़ी ज़्यादा आ सके। तो आप इस तरह से अपनी वीडियो शूट कर सकते हो, इससे काफ़ी अच्छी वीडियो शूट होगी अगर आप ईयरफोन यूज़ करते हो तो उसके बाद आप कहीं पे भी इसे अपलोड कर सकते हो। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी, और ये वीडियो आपको समझ में आ गई है तो इसको लाइक कर देना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू।